जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में LIC पॉलिसी के साथ आधार कार्ड लिंक किया था, लेकिन उसमें हमारा जो आधार कार्ड है उसमें उसके साथ मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए था, क्योंकि वो मोबाइल नंबर पे OTP आता था। अभी इस बार हम ऐसा करेंगे कि अगर आपका आधार कार्ड के साथ नहीं है तो भी हमारा LIC पॉलिसी के साथ आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। और उसका और भी बेनिफिट है कि आपका प्रीमियम कितना है, नॉमिनी कौन है, या और आप हमारा फैमिली का इंफॉर्मेशन ऐड करना है वो भी कर सकते हैं। उसके लिए हमको लिखना पड़ेगा गूगल में LIC लॉगिन न्यू यूज़र, ये लिखेंगे। उसके बाद ये जो एप्लीकेशन आएगा ibiz.lic.india, इस पे क्लिक करेंगे। और ये क्लिक करने के बाद ये पेज जो खुल जाएगा ये चार फॉर्मेट में ही काम करेगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला, गूगल क्रोम और सफारी। तो ये आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में है तो ही ये वेबसाइट काम करेगी। उसके बाद अगर आपने ये रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो यहाँ पे कुछ डालने की ज़रूरत नहीं, ये जो नीचे साइन अप करके लिखा हुआ है बस वहीं पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपका पॉलिसी नंबर डालना पड़ेगा, उसके बाद आपका जो प्रीमियम है पॉलिसी का विदाउट टैक्स वो डाल देंगे, यहाँ पे बर्थडे डाल देने का, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देंगे, ईमेल आईडी कंपलसरी है, आधार नंबर कंपलसरी है, पैन नंबर कंपलसरी है, पासपोर्ट नंबर कंपलसरी नहीं है। उसके बाद आपका जो जेंडर है मेल या फीमेल वो सिलेक्ट कर लीजिए और आई कंफर्म करके प्रोसीड कर लीजिए। उसके बाद ये जब प्रोसीड करेंगे उसके बाद आपको पासवर्ड पूछा जाएगा। पासवर्ड में कम से कम एक कैपिटल, एक स्मॉल लेटर, एक स्पेशल लेटर जैसे कि डॉलर या एंड या ऐसा कुछ, और नंबर्स, ये चारों चीज़ चाहिए। और पासवर्ड का कम से कम 8 डिजिट का पासवर्ड बनाना पड़ेगा आपको। उसके बाद हमारा तो साइन अप किया हुआ है तो हम सीधा वो पेज पे जाएंगे तो हमारा मोबाइल नंबर, फिर यहाँ पासवर्ड डाल देंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर डाल देंगे। पासवर्ड यही ध्यान रखना है कि एक कैपिटल कम से कम एक लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और कुछ नंबर। इसके आपका बर्थ डेट जो है वो DDMMYYYY फॉर्मेट में ही डालने का। उसके बाद यहाँ पे हमारा, अच्छा, पासवर्ड में प्रॉब्लम है। पासवर्ड में यही ध्यान रखो कि एक कैपिटल कम से कम और कम से कम एक स्मॉल लेटर, एक स्पेशल लेटर और कुछ डिजिट, अपना नंबर्स वो कंपलसरी है। उसके बाद ऐसे पेज खुल जाएगा, ये हमारा LIC का पेज है वो खुल गया। उसमें हमारी दो पॉलिसी और हमारी एक बच्ची की पॉलिसी, वो सब हम ऐड कर सकते हैं। आप ऐड पॉलिसी में जाएंगे तो आप पॉलिसी ऐड भी कर पाएंगे। चलो हमारे कुछ पॉलिसी का स्टेटस देख लेते हैं। ये जैसे हमारी दो पॉलिसी है तो ये दो पॉलिसी का ये नंबर हो गया और उसका प्रीमियम हो गया। उसमें हम देख सकते हैं कि कितना प्रीमियम है, अगला ड्यू प्रीमियम कौन सा है, और हमारे नॉमिनी कौन है, हमारा बोनस का कितना ऐड हुआ है, बोनस स्टेटस क्या है। उसके बाद हमको यहाँ से जनरेट PDF, जो LIC का पॉलिसी हम PDF में भी जनरेट कर सकते हैं। हम देखेंगे कि हमारा जो ऑनलाइन पेमेंट वो कैसे होता है। जैसे ये पेज आ गया है, यहाँ पे हमारा दिखा रहा है कि प्रीमियम ड्यू ये है। अगर ये हमारा इसी महीने का ड्यू होगा तो हम इस पे दबाएंगे और यहाँ से चेक एंड पे से यहाँ से जाएंगे तो हमारा डेबिट कार्ड के थ्रू या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं। बाद हम देखेंगे कि हमारा फैमिली स्टेटस कैसे ऐड कर सकते हैं या पर्सनल इंफॉर्मेशन कैसे ऐड कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे हमारा नाम और उसके नीचे माय प्रोफाइल, उसमें देखेंगे कि हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल ये है, उसमें कुछ ऐड करना ऐड कर सकते हैं। फिर डिजिटल KYC, उसमें हमारा आधार नंबर, पैन नंबर और पासपोर्ट नंबर रहेगा। उसके बाद हम ये फैमिली ऐड कर सकते हैं।
फैमिली मेंबर्स, हमारे स्पाउस एंड हमारे बच्चे, उसका यहाँ पे हमारे स्पाउस का नाम कुछ मैंने गलत डाल दिया, उसको करेक्ट कर लेते हैं। उसको करेक्ट करने के लिए ये जो एडिट के लिए दिया गया है पेन जैसा, बस यहीं पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने गलती क्या किया कि फर्स्ट नेम में हमारे मिसेस का नाम लिखना था, वहाँ पे हमने सर नेम डाल दिया। तो यहाँ पे हम अपने हमारे मिसेस का नाम लिख देंगे और उसके बाद शीतल बहन, उसके बाद यहाँ पे हमारा नाम लिख देंगे चेतन कुमार, और यहाँ जो लास्ट नेम है यहाँ पे हमारा सर नेम डाल देंगे, और उसके बाद हम इसको सेव कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा, मिसेस का नाम करेक्ट हो गया। अभी हमारे जो लड़की है उसका नाम करेक्ट कर लेते हैं। उसके लिए भी सेम प्रोसेस, यहाँ पे फर्स्ट नेम में उसका नाम डाल देंगे हंसिका कुमारी, और यहाँ मिडल नेम में हमारा नाम लिख देंगे चेतन कुमार। और आपने ये सब नहीं डाला होगा तो यहाँ पे ये सब डाल करके उसका बर्थ डेट, उसका जेंडर, उसका अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड, आधार नंबर डालना है तो आधार कार्ड नंबर, एजुकेशन डालना है तो ये सब डाल के हम ऐसे सेव कर सकते हैं। उसके बाद आपका ये स्टेटस हो जाएगा। जैसे हमने ये जो रजिस्ट्रेशन किया था बस वहीं हमारा आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक हो गया था। यहाँ पे हम पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ हमारा एड्रेस भी डाल सकते हैं, एड्रेस का स्टेटस क्या है वो सब हम देख सकते हैं। एड्रेस में क्या होता है कि हमारे जो पॉलिसी है ना उसके हिसाब से LIC इंडिया ही वो डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लॉग आउट कर सकते हैं। तो अगर आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो फिर ये पेज से बड़ी ही आसानी से आप यहाँ पे आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक कर सकते हैं, और तो ऐसे हम यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं और बड़ी ही आसानी से आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक कर सकते हैं और बहुत सारे फैसिलिटी हम ले सकते हैं। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपके फ़ायदे की वीडियो हम ऐसे ही बनाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।